सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम र के रूप पाठ 12 पढ़ेंगे। इस पाठ में र के दो रूप बताए गए हैं, रेफरे व पदेन्द्र। वैसे तो र के तीन रूप होते हैं, र जो कि पूर्ण अक्षर लिखा जाता है, रेफरे सी के आकार में, पदेन्द्र जो किसी अक्षर के पांव में लगाया जाता है, और एक वी के रूप में जो ट और ड के साथ लगता है, रथ व रबड़। इन दो शब्दों में र पूर्ण आया है। अब रेफरे जब र में से अ निकल जाता है तो र आधा हो जाता है। इस रूप को रेफ कहते हैं और इसकी उच्चारण ध्वनि उस अक्षर से पहले होती है जिस पर कि ये लगाया जाता है, जैसे सर प सर, वर्षा कार्य आर्य शार कर धर। आइए अब कुछ पिक्चर्स के साथ देखें, सूर्य गर्व पार धर चर्च पर्वत नर्तक। अब पदेन्द्र, असहित र के दो रूप हैं, यानी अब जो र बोला जाएगा वो पूरा बोला जाएगा और इस र की उच्चारण ध्वनि उस अक्षर के साथ ही होगी जिस अक्षर के साथ यह लगा होता है। कर ट्राम और पदेन्द्र जो वी वाला है वो ट और ड के साथ। अब पिक्चर्स के साथ चक्र क्रम प्रणाम चंद्रमा प्रथम प्रातः प्रकाश समुद्र वक्र प्रश्न ग्राम और क्रिया यानी वर्ब्स एक्शंस ट्रक ट्रेन ट्राम ड्रम। इनमें कौन सा र लगा है? वी वाला। अब इन शब्दों को बच्चों आप स्वयं पढ़ें व इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।